अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी दूसरी वीडियो में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक दूसरा इनक्यूबेटर बनाया है, ये बिल्कुल इंटेलिजेंट इनक्यूबेटर है मुकम्मल। और इसकी खूबी जो है वो ये है कि ये बिजली ना होने की सूरत में बैटरी के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको अंदर का सारा सिस्टम चेक करवाता हूँ। और इसको मैंने अभी बिना सप्लाई के जो है, सप्लाई मैंने इसको अभी नहीं दी, ये बैटरी पर चल रहा है और तकरीबन 2 मिनट इसको हो गए हैं। और इसका अभी आप टेम्परेचर देख लें, 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। इसके अलावा इसके अंदर एक और डिजिटल मीटर रखा हुआ है मैंने, जो कि ये देखे 37.8 तकरीबन। और ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसका आपको मुकम्मल सिस्टम चेक करवाता हूँ। ये इसकी टॉप है, तो टॉप को यहाँ पर हमने पेज लगाए हुए थे, वो हम मैंने आपको चेक करवाने के लिए अभी लगाए नहीं है। ये देखिए, ये इसका अंदर का व्यू है। ये देखिए, ये इसमें बैटरी लगी हुई है, ये इसमें रिले लगी हुई है कंट्रोलर के लिए, ये दो सप्लाइयाँ लगी हुई हैं जो कि इसके लैंप्स को जो है ना बिजली पर चलाने के लिए, और ये इसको चार्ज करने के लिए सप्लाई लगाई गई है। ये सप्लाइयाँ 12 वोल्ट की हैं, एक कंट्रोलर के लिए और दूसरी ये डीसी फैंस को चलाने के लिए। तो और ये एक LM2596 लगाया गया है जो कि चार्जिंग को कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये मुकम्मल डीसी सेटअप लगा हुआ है सारा, ताकि इस इनक्यूबेटर को मुकम्मल तौर पर डीसी सप्लाई पर चलाया जा सके। ये इसका बाहर का व्यू है और ये इसका अंदर का व्यू है। ये देखिए, ये तीन ट्रेज लगी हुई हैं, ये पानी रखने के लिए जगह बनी हुई है, ये नीचे जो है वो बल्ब लगे हुए हैं, एक दो और वो तीन और चार, दो पंखे लगे हुए हैं। और ये हमारे पास यूनिटी का मीटर है जो कि टेम्परेचर को सेट करने के लिए लगाया गया है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर रख दिया और ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मुकम्मल तौर पर बैटरी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, 33 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर, 30 बाहर, ये मुकम्मल बैटरी पर चल रहा है। और इसमें अब मैं आपको इसकी तमाम तर वर्किंग समझाता हूँ। अभी देखिए, लाइट इस वक्त हमने इसको सप्लाई नहीं दी हुई, तो ये रिले इसको ऑटोमेटिक बैटरी और जो है वो वापडा पर कन्वर्ट करने के लिए लगाई गई है। ये सप्लाई लगाई गई है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये इसका BMS लगा हुआ है चार्ज कंट्रोल करने के लिए। और ये लिथियम आयन बैटरी है, ये देखिए लिथियम आयन बैटरी है। ये इसमें 9 सेल्स हैं और ये बड़े सेल्स हैं, 26650 और 2.5 एम्पेयर यानी कि 2.5 एम्पेयर। और ये टोटल जो बैटरी की ताकत बनती है वो तकरीबन 9 एम्पेयर 12 वोल्ट बनती है। और ये इसके ऊपर BMS लगाया गया है जो कि इसको ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज होने से बचाता है। और ये जो दो सप्लाईज लगाई गई हैं, ये जो आप देख रहे हैं, एक ये सप्लाई, एक ये सप्लाई, ये DC 12 वोल्ट स्टैनले के बल्ब इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। दो बल्ब्स को दो सप्लाइयों पर और दो बल्ब को दो एक सप्लाई पर इस्तेमाल चलाया गया है। और अभी मैं आपको, अभी ये सारा सिस्टम बैटरी पर चल रहा है, ये देखिए ये बैटरी पर चल रहा है। अभी इसको मैं जो है ना वो सप्लाई दूंगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा वापडा पर। अभी ये देखिए, ये हमने इसको सप्लाई दी, ये देखिए, तो ये देखिए, ये लीजिए की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। ये देखिए, ये चार्जर इसका ऑन हो गया बिल्कुल, ये सप्लाई है, इसने बैटरी चार्ज शुरू कर दी है, ये फैन भी ऑन हो गया, ये देखिए। और ये सिस्टम सारा अब हमारा जो है वो वापडा पर कन्वर्ट हो गया। अभी ये देखिए, फैंस भी चल रहे हैं,
ये देखिए, तो ये अब मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली पर चल रहा है। तो इसमें ये सारा सिस्टम टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है सारे का सारा, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना बने बाद में। हर चीज़ ऑटोमेटिक है और यह अपने खुद ब खुद ही जो है वापडा और डीसी पे कन्वर्ट होता है। जैसे ही लाइट चली जाती है ये वापडा डीसी पर कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही जो है ना वापडा आ जाती है तो ये खुद ब खुद बैटरी की चार्जिंग शुरू कर देता है, और साथ साथ हमारा जो तमाम लोड है वो वापडा की सप्लाई पर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा सिस्टम मुकम्मल लगा हुआ है, और अगर किसी को इसकी मुकम्मल जो है वो डायग्राम चाहिए होगी तो वो भी मैं मुहैया कर दूंगा। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है। तमाम इसमें जो है चीज़ें वो जो है इसको बेहतर बनाने के लिए लगाई गई हैं। बाकी इसका ऑटोमेटिक सिस्टम मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ टेम्परेचर का। अभी देखिए अंदर जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा चुका है, क्योंकि ये हमारा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर का टेम्परेचर है। तो ये अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा, अभी 37.2 हो गया है और अंदर 40 डिग्री आउट हो चुका है। ये हमारा ऊपर का सेंसर है, ये हमारा ऊपर का सेंसर है, और ये हमारा नीचे का सेंसर है। ये यूनिटी का डिजिटल मीटर है, इसको मैंने टेम्परेचर की सेटिंग के लिए रखा हुआ है, और ये आपको नमी भी बताएगा, और ये आपको जो है वो टेम्परेचर भी बताएगा, और ऊपर और नीचे दो टेम्परेचर बताता है। ये भी देखिए 37.9 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो अभी मैं कंट्रोलर से इसकी सेटिंग कर दूंगा। ये अभी मैंने 37.7 पर सेट कर दिया है, क्योंकि अंदर भी टेम्परेचर 38 हो चुका है। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अभी 36 टेम्परेचर हो चुका है, जैसे ही 37.7 होगा तो ये टेम्परेचर को जो है ना कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर आप ह्यूमिडिटी भी देख सकते हैं, ये टेम्परेचर नीचे का है और जो ये टेम्परेचर आ रहा है ये ऊपर का है, क्योंकि एक सेंसर ऊपर रखा हुआ है और एक इस मीटर के अंदर नीचे लगा होता है। दोनों का टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अभी 37 पॉइंट जो है वो 6 हुआ है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली 37.7 पर बंद हो गया है, ठीक है, जबकि अंदर जो है टेम्परेचर आपको 40 डिग्री नज़र आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता घंटा दो घंटा चलने के बाद ये टेम्परेचर जो है बिल्कुल एवरेज सेटअप पर आ जाएगा। अगर उसके बावजूद ये एवरेज सेटअप पर नहीं आता तो हम इस टेम्परेचर की मदद से, इस टेम्परेचर कंट्रोलर से जो है टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोलर से भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा काम कर रहा है। चलिए अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये खुद ब खुद कैसे कन्वर्ट होता है। ये देखिए ये सप्लाई हम बंद करेंगे तो ये बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा जी। ये देखिए जी, ये इसकी तार उतार दी और ये अब सिस्टम मुकम्मल बैटरी के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी किस्म की हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारा डीसी इंटेलिजेंट इनक्यूबेटर।